और बच्चों आप पढ़ते हैं जरा, हम प्रॉपर्टी नंबर 6-7 जो भी है इधर की जो प्रॉपर्टीज है, बाकी तो हमने प्रॉपर्टी जान ही रहे हैं, जो 5-6-7 प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी जो हमने नंबर की पढ़ी है उसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने रखा था, प्रॉपर्टी नंबर 6 था कि लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन बराबर आपका लॉग बेस ए एम इंटू एम इंटू एन हो गया था, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी देर के लिए, प्रूफ कोई बहुत भारी काम नहीं होता है, बेहद आसान सी चीज होती है प्रूफ बच्चों। क्या है कि मान लेते हैं, लो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि लॉग बेस ए एम क्यूब को मैंने मान लिया एक्स लेट एंड लॉग बेस ए एन को मैंने मान लिया वाई। तो ये तो लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म पे, पहला एकदम बिल्कुल पहला स्टार्टिंग याद करो, ये तो लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने अभी कहा कि ये एम को गिराएंगे तो ये ए इसकी पावर में जाके चढ़ जाएगा, तो एम इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एक्स। ऐसे ये वाला लॉग गिराएंगे तो ये एम की पावर वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल टू ए की पावर वाई, n इक्वल टू ए की पावर y। मतलब ये लॉग गिरता है तो ये बेस है बेस ही रहता है, यानी ये यहाँ जाता है, देखो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये इसको खिसका देता है ऊपर, खिसको ऊपर, खिसको ऊपर, चलो ऊपर गया a की पावर x, ये इधर से गिरा इसको तो इसको जाकर ऊपर खिसका था, ऊपर खिसको ऊपर खिसका, ये y हो गया n बराबर a की पावर y। अब जरा देखो तो RHS में m into n पूछा है, मतलब जरा इनको m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m into n को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका a की पावर x इंटू ए की पावर y। और एक्सपोनेंट में क्लास फोर्थ में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट की पावर है तो ये पावर आपका ऐड हो जाएगा, अगर सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है x प्लस वाई, ये m इंटू एन हो गया। अब जरा देखो तो RHS में देखो तो यहाँ पे log है, यहाँ पे log लिया गया है, तो ये दोनों साइड में log ले लें तो ये हो जाएगा log, अच्छा बेस अपने मन से हमने a ले लिया तो log बेस a, a आपका ये हो गया m इंटू एन बराबर ये हो गया log बेस a, a आपका ये a की पावर x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, यहां से यहीं पे हम प्रॉपर्टी नंबर 8 जो आगे प्रूफ करेंगे उसका यूज है, प्रॉपर्टी नंबर 8 का यहीं पे प्रूफ भी आधा प्रूफ मैं कर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि a की पावर x प्लस वाई का मतलब a को x से y x टाइम x और y टाइम्स लिखा गया है, मतलब a को x प्लस y टाइम्स अलग 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 लिखा गया है, मतलब आपका ये a को x प्लस y टाइम अलग अलग लिखने का मतलब ऐसे हो गया, देखो यहाँ पे log बेस a m प्लस m इंटू एन बराबर ये लिखा है log a a प्लस log a a प्लस log a a, या मैं ऐसे कहूं कि अंदर मैं कहूं कि ये आपका a a a a यही आपका x प्लस y टाइम लिखा है। यहां मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 ले ही लेता हूं आपका, क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें, कि इसको मैं यहां पे भेज दिया तो ये हो गया आपका x प्लस y इक्वल टू लॉग ए ए, और ये दोनों सेम हो गया तो ये बन गया आपका लॉग बेस ए एम इंटू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू अपने पास अभी भी स्टिल वी नो कि ये है लॉग ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, और आंसर आ गया देखो तो बच्चों प्रूफ हो गया एम एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, बोलो बच्चों प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ है। अब जो तो सिक्स्थ वाला है, सेवेंथ वाले का प्रूफ चला फटाफट देख लो कि क्या लॉग बेस एम माइनस लॉग बेस ए एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम बाई एन। बच्चों डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट वही चीज, अभी भी a बराबर इसी को x मान रखा है और इसको आपका y मान रखा है, तो क्या है अपने पास x इज इक्वल टू है, देखो x इज इक्वल टू है आपका लॉग बेस ए एम, दिस इंप्लाई a की पावर x इक्वल टू m, और यहां पे है आपका y इज इक्वल टू है लॉग बेस ए एन, मतलब a की पावर y इक्वल टू है n, ठीक है। यहां से हो जाएगा, यहां से जरा देखो तो m बाई एन अगर कोई कहेगा
हम कहेंगे m बाई n का मतलब हो जाएगा a की पावर x अपॉन a की पावर y, a की पावर x माइनस y, दोनों साइड में लॉग ले लिया तो लॉग बेस a के साथ ले लिया, m बाई n हो गया, ये हो गया आपका लॉग बेस a x माइनस y, यानी ये आपका हो गया x माइनस y बाहर आ गया, लॉग बेस a a इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो बच्चों हो गया ये x माइनस वाई सिंपल बचा, और x माइनस वाई के जगह पे उठा के वो पास रख दिया यही, और ये वाली चीज तो देखो प्रूफ हो गया आपका। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी प्रूफ हो गया, और आगे आप प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रूफ कर देंगे, उसके बाद से बाकी की प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी की बेसिस पे जिनको हमेशा हम यूज करते रहेंगे। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ है। कुछ एक सवाल या कुछ एक मैं अभी साथ साथ में कुछ एक सवाल देता हूँ, उसको सवाल भी करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ आओ बच्चों जरा से एक आध प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। जैसे हमने आपका ये 8वें नंबर की प्रॉपर्टी हमने एक लिखा था, कि हमने 8वें नंबर की एक प्रॉपर्टी लिखा था आपको ध्यान हो तो, कि लॉग बेस ए एन की पावर या एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग बेस ए एम। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे की चीजें प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसी के बेसिस पे होता क्या है कि अगर आप प्रूफ का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को एक बार प्रूफ कर लिए तो उसका अब यूज आगे आप कर सकते हैं। मतलब जब भी आप आगे पढ़ेंगे कभी भी अभी अपनी लाइफ में, तो मान लीजिए कि कोई चीज आप नहीं जानते कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो पहले आपने उसका प्रूफ कर लिया। अगर आपको प्रूफ दिख गया कि हाँ इसका प्रूफ विदाउट एनी प्रॉब्लम सही है, तो प्रूफ करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को यानी उस चीज को किसी भी जगह डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, आगे इसका यूज कर लेंगे। क्या है ये, अगर मैं कहूं कि ये लॉग बेस एम की पावर एन है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये लॉग बेस ए, और इसका मतलब है आपका कि ये एम जो है कि एम एन टाइम है, एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू डॉट 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 एम टाइम है। तो ये यहाँ पे आ गया आपका लॉग बेस ए यहाँ पे। अब जरा देखो इनको मैंने अलग कर दिया, लॉग बेस ए एम, लॉग बेस ए एम ये आपका एन टाइम्स है, ये आपका एन टाइम्स है, एन टाइम्स है। तो ये आपका लॉग बेस ए एम, लॉग बेस ए एम यानी ये आपका दिख रहा होगा कि इसको हमने कहा कि ये आपका इतने टाइम लिखा गया है, ये आपका प्लस लॉग बेस ए एम, ये आपका वही आपकी साथ है जो इसके ऊपर की प्रॉपर्टी जो छठी प्रॉपर्टी थी उस पर हमने इसको ब्रेक कर लिया लॉग बेस ए एम। तो इसको देखो ये कुल कितने टाइम्स है, ये टोटल एन टाइम्स है। तो अगर सेम क्वांटिटी को एन टाइम्स जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये एन इंटू लॉग बेस ए एम हो जाएगा, मतलब लॉग बेस ए एम की पावर एन इक्वल टू प्रूफ हो गया। इसमें हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज भी कर लिया, तो जरा देखो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 का हमने यूज भी कर लिया, तो ये आपका हो गया। तो बच्चों आओ तो कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं इस पे, मैं सवाल लिखते जाता हूँ आप आंसर लिखते जाओ फटाफट, मैं बस कुछ क्वेश्चंस लिखते जाता हूँ इसको बिल्कुल लॉग पे बेसिक सवाल। जैसे मैंने पूछा लॉग बेस 381 का आंसर बताओ, दूसरा लॉग रूट 525 का आंसर बताओ, तीसरा लॉग रूट 5 की पावर 1/3 का आंसर बताओ, चौथा लॉग 2 3 प्लस ये लॉग 2 3 प्लस ये मैंने लिखा लॉग आपका बेस 3 या बेस 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो इसका आपको आंसर बताना है। फिर आपका पांचवा मैं सवाल लिख रहा हूँ कि लॉग रूट 3 की पावर 4 और यहाँ पे 9 का आंसर बताना है। छठा लॉग बेस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का आंसर बताना है। सातवां ये मैंने लिखा जरूर है सवाल, आप मोटा माटी आंसर बताएंगे लेकिन एग्जैक्ट आंसर के थोड़ा सा अपने को टाइम चाहिए। तो ये आपका सातवां सवाल लॉग, मैंने पूछा कि 5 माइनस 2 रूट 6 और ये आपका 5 प्लस 2 रूट 6।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगला आठवां आपका लॉग रूट टू माइनस वन प्लस वन, रूट टू माइनस वन बेस, और ये यहां पे नंबर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे जरा निकालेंगे। नाइन्थ नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, साइन बताना है, राइट द साइन, इधर मैं साइन बताना है कि किस टाइप का साइन होगा। लॉग ये फिर से मैं ले रहा हूं रूट थ्री माइनस वन, और ये रूट थ्री प्लस वन, साइन बताना है किस साइन में होगा। दसवां, तो लॉग आपको बताना है बच्चों, लॉग जैसे कि रूट फाइव माइनस टू, और ये रूट फाइव माइनस रूट फाइव प्लस टू, तो इसकी वैल्यू बताना है। 11 नंबर पे मैंने आपसे पूछा कि लॉग आपका रूट टू और ये आपका यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगा। तो जरा आप सब लोग अब एक एक वैल्यू सब लोग पहले लिख लो, फिर मैं आंसर बताता हूं, तो उस आंसर से आप मैच कराते जाना कि हाँ क्या आंसर हमारा सही है कि नहीं। पहले आप सबकी वैल्यू, आप लोग सब लोग पहले इसकी सबकी वैल्यू लिख लो, फिर मैं आंसर बता रहा हूं कि आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा कि नहीं। तो आएंगे अब आंसर की तरफ, आप लोग लिख लो, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं लिखने का, आप लोग लिख लो। तो देखो बच्चों, इसका ये बोलो तीन की कितनी पावर करेंगे, या इसको लिखने का एक तरीका प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं थ्री, इसको थ्री की पावर में सोचेंगे कि थ्री की पावर में कितना, ये थ्री की पावर फोर होता है 81, फोर बाहर आ गया लॉग बेस थ्री, और ये भी थ्री, इसकी वैल्यू होती है वन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर इंटू वन मतलब फोर। यहाँ पे रूट फाइव की पावर कितना, तो सोचेंगे कि एक रूट फाइव, और ये रूट फाइव की पावर हो जाएगा फोर, क्योंकि पांच की पावर दो और रूट फाइव पांच, खुद रूट फाइव का पावर टू होता है, तो यहां से आंसर आ गया फोर। ये बोलो ये कितना, तो यहाँ पे देखो ये रूट फाइव की पावर कितना है, टू है, तो इसको लिखेंगे लॉग रूट फाइव, ये रूट फाइव की पावर टू, और इसका होल पावर वन बाय थ्री, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया टू बाई थ्री, और इसकी वैल्यू वन हो गया, यानी आंसर आ गया टू बाई थ्री। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे आपका इसका तो दोनों प्राइम नंबर है, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे फोर है, फोर को ये टू की पावर टू टू लिखा, और यहाँ वाला पावर याद करो, नीचे वाला पावर नीचे जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस टू थ्री प्लस ये वन बाई टू लॉग बेस टू टू, इसकी वैल्यू वन, तो आंसर हो गया आपका लॉग बेस टू थ्री प्लस वन बाई टू, आंसर आ गया। बच्चों देखो इसका आंसर, आंसर मैच करा लो आप, कि वन बाई टू प्लस लॉग टू लॉग थ्री बेस टू। यहाँ पे ये फिर से ये जरा देखो, मैं कहूंगा कि ये लो रूट थ्री की पावर जो फोर है वो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहां से ये हम लिख सकते हैं लॉग थ्री रूट थ्री की पावर फोर करेंगे तो अगेन नाइन आएगा, ये नाइन आंसर हो गया वन। ये देखो बेस दोनों का बेस और ये सेम है, तो इधर आ गया टू, आंसर तो हो गया, बट एक बात और ध्यान देना, मैंने क्या कहा था कि ये वाली वैल्यू वन प्लस एक्स, नीचे वाली वैल्यू ए जीरो से बड़ा होना चाहिए, और वन प्लस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू वन होना चाहिए, तो इतनी बातें ही मेंटेन रखते हुए तब आंसर ये टू आएगा। यहाँ पे एक बात देखो कि ये एक मैं बात कहूं कि फाइव माइनस टू रूट सिक्स, और ये याद रखना कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फाइव इंटू टू रूट सिक्स, फाइव प्लस टू रूट सिक्स ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वन आएगा। देखो तो बच्चों आ रहा है क्या, पांच पांच का स्क्वायर पच्चीस माइनस माइनस ये टू टू जो फोर और सिक्स ट्वेंटी फोर वन आ गया, यानी आप लिख सकते हो कि फाइव टू रूट सिक्स बराबर लिख सकते हो वन अपॉन फाइव माइनस टू रूट सिक्स, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब आंसर हो गया माइनस वन। वैसे ही सिमिलर ये भी आंसर हो गया माइनस वन, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और सिमिलर ये साइन बताना है, तो रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.414, कितना होता है देखो यहाँ पे रूट थ्री माइनस वन 1.414 रूट थ्री की वैल्यू होते 1.732 माइनस वन, आंसर हो गया 0.732। तो देखो बेस एक से कम और ये एक से ज्यादा निगेटिव, बेस एक से कम ये एक से